Your जंप। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं बेटी के नाम से ये खाता, मिलेंगे 40 लाख रुपए। तो दोस्तों कैसे मिलेंगे इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी 10 या उससे कम उम्र की बेटी के खाते में खाता खुलवा सकते हैं, तभी नहीं होगी उससे पैसे की दिक्कत। तो दोस्तों 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए ये खाता खुलवा सकते हैं। और दोस्तों ये कितनी बेटियों के खाता खुलवा सकते हैं हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें, ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और दोस्तों नीचे की ओर आगे आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपकी कितनी बेटियां हैं, 3 बेटियों के नाम से ये खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट में लिख देना है। वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं बेटी के लिए ये खाता, बना सकेंगे 40 लाख रुपए का फंड। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवाने से बेटी को मिलेंगे 40 लाख रुपए पढ़ाई और शादी के लिए। बेटी के भविष्य को लेकर हर माता पिता के चिंता में रहते हैं, बेटी को अच्छी शिक्षा और पढ़ाई की फैसिलिटी मिले इस बात का ख्याल सरकार भी रखती है। सरकार बेटियों के लिए कई तरह की योजना चलाती है यहाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको काफ़ी जानकारी देंगे। सरकार की बेटी के लिए खास योजना है सबसे चर्चित सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आपकी बेटी 10 या उससे कम उम्र की है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके नाम से ये खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता आपको उस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट देगा जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी। आगे जाने कैसे खुलवाएंगे बैंक अकाउंट, इस पैसे को आप उसकी आगे की पढ़ाई या अन्य किसी जरूरत के काम में खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए आगे फिक्स भी कर सकते हैं। कैसे खुलवाएंगे बैंक अकाउंट, तो हम आपको कैसे खुलवाएं खाता सुकन्या समृद्धि योजना के लेने के लिए, आप अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाएं और वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म प्राप्त करें। अगर समय नहीं है तो आप अपने इंटरनेट से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बेटी की फोटोग्राफ लगाकर फॉर्म भर उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। फॉर्म भरने और उसके सही सही हस्ताक्षर करें, अपनी आईडी और एड्रेस प्रूफ भी फोटोकॉपी संलग्न करें। अगर आधार कार्ड है तो आप अपनी कॉपी संलग्न करना जरूरी बेहतर होगा। तो दोस्तों बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी और उसकी बेटी दो दो पासपोर्ट साइज के फोटो। आप सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बैंक से भी खोल सकते हैं। 14 साल के फायदे, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी 10 साल की बेटी के नाम से ये अकाउंट खोल सकता है। ये अकाउंट की शर्त है, तो दोस्तों एक शर्त है कि उसमें निवेश 14 साल तक किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई 1 साल की बेटी के नाम पर यह खाता खोलता है तो उसे बेटी की 15 साल तक उम्र तक की निवेश कर सकता है। ऐसे में 15 साल से 21 साल के बीच में इस अकाउंट में बिना निवेश किए ही ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये 1 वित्तीय साल में जमा किया जा सकता है। 14 साल तक 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। सालाना का निवेश 15 से 15 साल में हो जाएगा 40 लाख रुपए। इसके बाद 40 लाख रुपए अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 21 साल के बाद हो जाएगा 64 लाख। तो दोस्तों अगर आप 40 लाख का फंड कराते हैं तो आपको 21 साल के बाद 64 लाख रुपए मिल जाएंगे। ज़रूरी बात है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आप सालाना न्यूनतम 500 रुपये अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। साल में जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकते हैं। ये योजना PPF योजना के समान है, बल्कि यूँ कहिए कि PPF की तुलना में इसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप किसी साल पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपको 50 रुपये सालाना पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर आप उसमें 50% का धन निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी धनराशि 25 साल की होने पर ही निकाल सकेंगे। अगर बेटी की 18 साल की आयु में शादी हो जाती है तो आप प्री बैचलर्स फैसिलिटी के अंतर्गत धन निकाल सकते हैं। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप सुकन्या के अंतर्गत 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक बेटी हैं तब भी आप अधिकतम 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस पर किस्त जमा करने की ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद है। इस योजना पर आप
किसी भी प्रकार का ऋण नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना पर किस्त जमा करने की भी ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद है। तो दोस्तों अगर आपकी दो बेटियां हैं तो आप दो अकाउंट खुलवा सकते हैं, तीन है तब भी आप दो ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे बेटी के नाम के खाता तो 40 रुपये का आपको 40 लाख रुपये का फंड मिल जाएगा। ये योजना PPF योजना के समान है, बल्कि यूँ कहिए कि PPF की तुलना में इसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप किसी साल पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपको 50 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी अगले महीने में। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका